सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं बायो से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट सवाल, और ये सवाल आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जितने भी सवाल है आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से लगभग लगभग 10 ऐसे सवाल हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों, मैंने सेकंड चैनल भी ओपन कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाके वहाँ पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आज से आप लोग का लाइव क्लास उस पर चलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक को। तो देखिए, आपके स्क्रीन पर पहला सवाल है, भोजन का अनिवार्य अवयव है। तो आपके सामने चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए में है ग्लूकोज, बी में प्रोटीन, सी में स्टार्च और डी में कार्बोहाइड्रेट। तो फर्स्ट का हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट सवाल है। चलिए उसके बाद देख लीजिए, टू नंबर सवाल में, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। ऑप्शन ए में प्रोटीन, बी में विटामिन, सी में कार्बोहाइड्रेट और डी में जल। तो टू का हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, बायो का मतलब तो सिलेबस में दिया नहीं गया है, लेकिन क्या होता है ना कि सवाल इस टाइप के एग्ज़ाम में आ जाते हैं, जैसे कि डबल ए में, एम आर में, एस एस आर में, तीनों में पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो जितने भी बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट सवाल हैं, प्रीवियस सवाल हैं, उसको करना होगा, क्योंकि ज़रूर आएगा आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, और ज़्यादातर क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं आपको मैं बता देता हूँ, विटामिन से और इस टाइप के सवाल, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिए, थर्ड नंबर सवाल में, कैप्सूल का आवरण बना होता है। कैप्सूल का जो आवरण बना, क्या चीज़ का बना होता है? प्रोटीन का, अंडे के छिलके का, सेल्यूलोज का या फिर स्टार्च का। थर्ड का हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि स्टार्च का बना होता है कैप्सूल का आवरण। ठीक है, याद रखिएगा, जो कैप्सूल के ऊपर जो नहीं रहता है, आप लोग देखे होंगे कभी कभी, मतलब उसको दाबिएगा तो लगता है अंदर कुछ बजता है, जैसा है बजता है ना कभी कभी, तो उसका जो ऊपर का रहता है ना, स्टार्च का बना होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, फोर में, शहद का प्रमुख घटक है ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज या फिर फ्रुक्टोज। करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर का ऑप्शन डी, यानी कि हो जाएगा फ्रुक्टोज। यहाँ पे फ्रू होगा, फ्रुक्टोज हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। चलिए अगला सवाल है, फाइव में, निम्नलिखित में कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? लैक्टोज, सेल्यूलोज, माल्टोज, ग्लूकोज। करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइव का ऑप्शन डी, यानी कि हो जाएगा ग्लूकोज। ठीक है, याद रखिएगा, कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है भैया? तो ग्लूकोज है। आप लोग देखे होंगे गर्मियों में कि बहुत सारे लोग ग्लूकोज पीते हैं, क्या होता है कि ऊर्जा मतलब मिल जाती है बहुत ही जल्द उससे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, सिक्स में, शहद में मुख्यतः होते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन। सिक्स का हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कार्बोहाइड्रेट। शहद में जो पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट मिलता है, याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। और ये सब बायो का जो चीज़ है, हम लोग का बायो का जो सिलेबस अभी तो एमआर में नहीं है, लास्ट में आपको समझा दूंगा जो भी होगा इम्पोर्टेंट इनसे रिलेटेड। चलिए अगला सवाल है, सेवन में, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कौन सा? सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन सा प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लौण। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेवन का ऑप्शन ए, यानी कि कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, एट में, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है, शुगर, स्टार्च, ग्लूकोज, ग्लाइकोजेन। करेक्ट आंसर हो जाएगा एट का ऑप्शन डी, यानी कि हो जाएगा ग्लाइकोजेन। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है, नाइन में, एथलीट में, एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? तो नाइन का हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे हम लोग सवाल को पढ़ रहे हैं, तो लगभग लगभग यहाँ पे बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट, बहुत सारे आंसर मतलब क्वेश्चंस का आंसर कार्बोहाइड्रेट हुआ, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि बच्चे कन्फ्यूज़न हो जाएंगे एग्ज़ाम में, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अच्छे से केयरफुली पढ़िएगा। चलिए अगला सवाल है, टेन में, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है, क्या होता है? तो टेन का हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हो जाएगा ग्लूकोज का अवक्षय। ठीक है, ग्लूकोज का अवक्षय। तो जब ग्लूकोज का अवक्षय होने लगेगा, तो लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है। ठीक है, चलिए
11 नंबर सवाल है, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है एचजी के एमएम में, एमजी के प्रति डेसीलीटर में, ठीक है, सी में भाग प्रति मिलियन में, और डी में ग्राम प्रति लीटर में। 11 का हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हो जाएगा भाग प्रति मिलियन में व्यक्त किया जाता है। चलिए उसके बाद देखिए, 12 नंबर सवाल है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल आवश्यक होते हैं, 10, 15, 20, 25। करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, 12 का ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 20, ठीक है, 20 अम्ल आवश्यक होते हैं। अगला सवाल है 13 में, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन ए, यानी कि हो जाएगा प्रोटीन। तो इसमें ध्यान रखिएगा, मैं आपको लगभग 30 के आसपास सवाल करवाऊंगा, तो इसमें से लगभग 15 ऐसे सवाल हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, आपको मैं बता दूंगा। ऊपर से तो मैंने नहीं बताया, लेकिन अब मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है 14 में, 13 का ऑप्शन आपको मैंने बता दिया, ऑप्शन ए हो जाएगा प्रोटीन। और उसके बाद देखिए 14 नंबर सवाल में, प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है, शरीर का निर्माण करने वाला, ऊर्जा उत्पादक, विनियामक, या फिर स्थूलता वर्धक। करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि शरीर का निर्माण करने वाला, ठीक है। चलिए अगला सवाल है 15 में, एंजाइम मूल रूप से क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, या फिर प्रोटीन, लिपिड, या फिर एमिनो अम्ल है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हो जाएगा प्रोटीन, ठीक है। एंजाइम जो है एक प्रकार का क्या है, ये मूल रूप क्या है, तो प्रोटीन है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है हम लोग का 16 में, 16 भी इम्पोर्टेंट सवाल है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है, जीवाणु, डीएनए, एंजाइम, प्रोटीन। 16 का हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हो जाएगा एंजाइम, ठीक है। और 15 का ऑप्शन बी हो जाएगा प्रोटीन, और 16 का हो जाएगा ऑप्शन सी एंजाइम। अगला सवाल है 17 में, अल्फा किरेटिन एक प्रोटीन है जो रक्त में उपस्थित है, त्वचा में उपस्थित है, ऊन में उपस्थित है, अंडों में उपस्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन बी, यानी कि ये अल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन है जो कि त्वचा में उपस्थित है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, 17 का हो जाएगा ऑप्शन बी, त्वचा में उपस्थित। चलिए अगला सवाल है 18 में, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है, इम्पोर्टेंट सवाल है, सवाल एमआर के एग्जाम में पूछा गया था, 42%, 50%, 60%, 80%। करेक्ट आंसर 18 का ऑप्शन ए, यानी कि हो जाएगा 42%, ठीक है। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है 42%, ठीक है। चलिए किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता, मांस, दूध, चावल, दाल। आप कमेंट करेंगे तो बेस्ट रहेगा, देखते हैं कौन से लोग फटाफट आंसर दे पाते हैं। तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि चावल। चावल जो होता है, मतलब कि इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता, लेकिन दाल में पाया जाता है। दाल में आप लोग तो प्रोटीन सुने होंगे, दाल का जो पानी रहता है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन मुझे लगता है, मतलब सबसे ज़्यादा नहीं रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोटीन शायद सोयाबीन या फिर सेम में, दो चीज़ मैंने पढ़ा था। चलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। अगला सवाल है 20 में, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है, उड़द, चना, मटर, सोयाबीन। तो देखिए 20 का ऑप्शन डी हो जाएगा, मैंने आपको बता ही दिया था कि सोयाबीन में होता है शायद सेम में, तो आपके सामने हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सोयाबीन में सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है, ठीक है, प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। तो आप लोग मॉर्निंग में क्या कीजिएगा, जो लोग भी चिल्का जाना चाहते हैं, तो सुबह में बस छोटा सा, एक छोटा साइज के सोयाबीन आता है, उसको मतलब चने के साथ फुला के उसको खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फ्रेश थोड़ा सा देख लेना, मार्केट में मिल जाए तो उसको आराम से डेली सेवन करो, बस ज़्यादा नहीं, बस 10, मतलब 10 काउंट करके सोयाबीन डाल दो, चने डाल दो, कुछ उसमें डाल दो, आराम से खा लो, सुबह का रनिंग कर लो, रनिंग करके आने के बाद खाना, ठीक है। चलिए अगला सवाल है 21 में, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं, अनाजों, दालों से, सब्जियों से, दूध से। 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि दालों से। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं दालों से। देखिए दोनों सवाल मैंने बोला, और देखिए मैंने बिल्कुल सत्य बोलता हूँ कि मैंने देखा नहीं था सवाल, ठीक है, लेकिन दोनों सवाल आपके सामने आ गया, ठीक है। चलिए
अगला सवाल है, प्रोटीन का सर्व प्रमुख स्रोत है काला चना, बंगाल चना, मटर, सोयाबीन। आपने तो पढ़ा था अभी जस्ट एकदम, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सोयाबीन। अगला सवाल है, 23 में मानव शरीर में वसा जमा होती है मतलब बाहरी त्वचा में, वसा उत्तक में, यकृत में, एपिथीलियम में। करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन बी, यानी कि हो जाएगा वसा उत्तक में। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, 24 में मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। करेक्ट आंसर जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हो जाएगा शरीर की ऊष्मा का क्षय। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, 25 में ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है। क्या कर पाता है कि ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रह सकता है? तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन बी, अपने कुबड़ में जमा किए की चिकनाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, 26 में निम्नांकित भोजन में से किसमें प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन बी, यानी कि वसा। भोजन में से किसमें प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो वसा। ठीक है, चलिए 26 का हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, 27 में विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया है भैया? मेंडल, पाश्चर, फंक, लेनेक। करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन सी, फंक ने विटामिन शब्द का प्रतिपादन किया था। ये भी सवाल एमआर में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, 28 में निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होते हैं? ये भी सवाल आया था एमआर में ही, तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि विटामिन। निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती? तो विटामिन में ऊर्जा कभी प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, 28 का हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, 29 में निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन ए, यानी कि विटामिन। ठीक है, रक्षात्मक पदार्थ किसे कहा जाता है भैया? तो विटामिन को कहा जाता है। ठीक है, 29 पे ऑप्शन ए टिक कर दीजिए। अगला सवाल है, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? ये सवाल पूछा गया है, विटामिन ए, सी, डी, ई। करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 का ऑप्शन ए, यानी कि हो जाएगा विटामिन ए। गाजर जो है, गाजर में विटामिन ए प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, 31 में मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, यकृत, अमाशय, तिल्ली, उदर। करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का ऑप्शन ए, यानी कि हो जाएगा यकृत। ठीक है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, 32 में रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन ए, यानी कि हो जाएगा विटामिन ए। रतौंधी का मुख्य कारण जो है विटामिन, अगर आपके शरीर में एक कमी होने लगेगा तो रतौंधी का कारण मतलब होने लगता है। ठीक है, चलिए 32 का हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए। अगला सवाल है, 33 में विटामिन ए उपलब्ध होता है आलू, टमाटर, गाजर, पालक। करेक्ट आंसर 33 का ऑप्शन सी, यानी गाजर से। आपने अभी ऊपर जस्ट सवाल को पढ़ा। अगला सवाल है, थायमीन है सी, B2, B6, B1। करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का ऑप्शन डी, यानी कि विटामिन B1। थायमीन जो है ये एक प्रकार का विटामिन B1 है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, 35 में जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12। करेक्ट आंसर जाएगा 35 का ऑप्शन डी, यानी कि विटामिन B12। यहाँ से जितने भी सवाल हम लोग पढ़े, मतलब इसके ऊपर ये सारे के सारे एग्जाम में रिपीटेड है यार, क्योंकि विटामिन सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मतलब एक नंबर का तो फिनिश ही रहता है। ठीक है, तो याद कर लेना, कल इसका एक और पार्ट विटामिन से रिलेटेड खूब अच्छा पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बायो का पार्ट 1 था। तो जो लोग भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मतलब हमारे करंट अफेयर्स, मैथ, जो लोग भी नहीं देखते हैं तो डेली का क्लास जाके ज्वाइन करो। फिर बाद में मत बोलना कि सर आपने हमको नहीं पढ़ाया, आपको ये सवाल टच नहीं करवाया। जो लोग बच्चा शुरू से पढ़ रहे हैं, टच में हैं हमारे, वो तो आराम से क्लियर करेंगे ही करेंगे। लेकिन अगर जो लोग आज ज्वाइन होंगे फिर बोलेंगे आज से हमको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है,
तो भैया रिस्पांस हमारे 1% का नहीं है। अगर आप जाके पूरा प्लेलिस्ट के द्वारा पढ़ते हैं तो आराम से कुछ ना कुछ मतलब अच्छा ही होगा, मतलब कम नहीं आएगा। अगर यहाँ से बिल्कुल छोड़ दोगे तो फिर हम क्या कर सकते हैं भाई, क्योंकि आप हम तो देखने नहीं जा रहे हैं आपको कि आप कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, आप खेलने जा रहे हैं या फिर टाइम वेस्ट करने जा रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, हम मुझे तो कुछ पता ही नहीं। तो इसलिए जाके प्लेलिस्ट रट लो, काम हो जाएगा। ठीक है, बस मिलते हैं एक और वीडियो में, और हो सकता है तो आज एक प्रैक्टिस सेट का बुक मैंने लॉन्च करूंगा, वो हमारा प्रकाशन नहीं है, बस वो एक बहुत ही बेस्ट प्रकाशन है, मैंने देख रखे हैं, उसे जाके परचेज कर लीजिएगा अगर जो लोग भी हमारे ऊपर विश्वास करते हैं। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।